तरह से रिजवान दत्या की फिल्म रिजवान नाम से आपने स्क्रीनिंग देखा, किस तरह का लगा फिल्म आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा रिजवान आदित्य और रिजवान फाउंडेशन को मुबारकबाद दूंगा जो जिन्होंने ये फिल्म बनाई। असल में इस फिल्म का मकसद जो है, जिसमें जो दर्शाया गया है, जो बताया गया है, वो हमें समझना होगा कि ये ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, हम इस ज़िंदगी में क्यों आए हैं और हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। इस फिल्म के अंदर एक मकसद है और इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। और क्योंकि आदमी इससे, ये फिल्म से ये सीखता है, एक ज़माना था जब लोग जो है किसी की बायोग्राफी पढ़ते थे किताबों के ज़रिए से, लेकिन आज डिजिटल दुनिया है जिस पर रिजवान आदित्य की ज़िंदगी पर ये फिल्म जो बनी है रिजवान, मैं समझता हूँ कि डिजिटल दुनिया में इसको फिल्मा के जो पेश किया गया है और उससे जो बात जाहिर हो रही है कि हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है और हमारा मकसद जो है आगे बढ़कर दूसरों का भला करना है। जिस तरह से उनका एक करेक्टर आया सामने, वो हमेशा से उनके मन में था कि दूसरों का भला कैसे किया जाए और उस भलाई का मकसद उनका था इंसानियत का, और उस इंसानियत को पैगाम देने की कोशिश की गई है कि ज़िंदगी क्या चीज़ है, हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का सम्मान करो और इसी तरह से सबसे मिलकर आगे बढ़ो। तो इस फिल्म से मैं समझता हूं कि सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तो ये ऑल इंडिया के अंदर इसको टैक्स फ्री होना चाहिए। इस फिल्म को टैक्स फ्री होने से सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखकर लोग इंस्पायर होंगे और उससे इंस्पिरेशन जो मिलेगी, मुझे लगता है कि उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आदमी ख़ास तौर पर ये फिल्म नौजवानों को ज़रूर देखनी चाहिए और नौजवान जब इस फिल्म को देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके अंदर एक बदलाव आएगा, उन्हें इस ज़िंदगी, इस फिल्म की, रिजवान की ज़िंदगी की हकीकत से रूबरू होंगे और मैं समझता हूं कि उससे उनके अंदर एक बदलाव आके और एक दिन वो उसमें कामयाब होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। चूँकि आजकल जो फिल्में हैं वो जो आ रही हैं वो इंटरटेनमेंट की होती हैं, लेकिन ये फिल्म इंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक ज़िंदगी का मकसद बताती है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, इससे इंस्पिरेशन मिलती है। मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। मैं इसके लिए पुनः दोबारा से रिजवान आदित्य को और फाउंडेशन को और तमाम फिल्म बनाने वालों को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जो करेक्टर रिजवान आदित्य का आया है उससे सीखें और उसको सीख के अपने ज़िंदगी के अंदर उतारें, उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। लेकिन एक सर आखिरी सवाल है, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, एक आखिरी सवाल सर, कि क्या लगता है कि फिल्म आप देख रहे थे, करीबन सवा दो घंटे की फिल्म है, कभी लगा कि फिल्म शायद नहीं देखना चाहिए, उब गए होंगे, ऐसा कुछ समय आया, क्योंकि क्या फिल्म बांधे रखी? दरअसल क्या है कि ये इंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है, हम कोई समझना चाहिए कि वो उस फिल्म से बंधे क्यों रहे, वो ज़िंदगी की चूँकि हकीकत है, वो उस हकीकत को उन्होंने जो एक बदलाव लाके, एक उनकी ज़िंदगी थी गरीबी से उठकर, वो एक ज़िंदगी का एक अपना उन्होंने जो जिस तरह से पूरी मेहनत और लगन और ईमानदारी से जिस काम को करके जिस ऊंचाई पे पहुंचा वो रिजवान जो करेक्टर है जो उस काम को, तो मुझे लगता है कि वो फिल्म जो है वो किसी ज़िंदगी की मकसद को कहीं तक पहुंचाने की है, तो इसलिए उसको लोग समझते हैं। बीच में तो इस फिल्म को देख के कहीं ना कहीं रोना भी आया, उसको लगा कि ये बिल्कुल हकीकत की ज़िंदगी से रूबरू हो रही है। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ऊंच नीच, वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो उससे आदमी सीखेगा और ख़ास तौर पर रिजवान की ज़िंदगी को देखने के बाद लोगों के अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा। देखिए, ये एक जो एक ऐसे हिंदुस्तानी की कहानी है जो अपने बचपन के अंदर सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने के लिए मुल्क से बाहर जाके कितनी कठिनाइयों के बावजूद वो अपने गोल को अचीव करता है। और मैं अपनी ओर से रिजवान भाई को जो साथ ही खड़े हैं इनको मुबारकबाद दूंगा और ये इस मुल्क के
करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि अगर आप सच्चे दिल से कोई मेहनत करते हैं और ईमानदारी के साथ नेकी के साथ कोई काम करते हैं तो उसके अंदर आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। और ये इस पिक्चर के अंदर भी ये दर्शाया है, तो मैं अपनी ओर से किस तरीके से इस किरदार को जो रिजवान भाई ने निभाया है और ज़िंदगी के अंदर करोड़ों जो हमारे युवा है, हमारे देश के नौजवान हैं, उनके लिए एक तरीके से एक सबक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से इस मूवी से, इस फिल्म से हमारे जो युवा है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, वो इससे एक लेसन लेंगे और आने वाली अपनी ज़िंदगी के अंदर वो इसी तरीके से नेक काम करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, अपने गोलों को अचीव करेंगे और लोगों की जो खिदमत है इनके अंदर, जो मैंने एक बात देखी, जो अपने दोस्तों की मदद कर रहे थे, जो नीडी लोग थे, जो ज़रूरतमंद थे, उनकी मदद कर रहे थे, तो वो ये बात देखी कि खिदमत खल्क का जज्बा भी इनके अंदर है। और वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं मानता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा मजहब जो है वो इंसानियत है और इंसानियत के लिए काम करना ही सबसे बड़ा नेक काम है। तो रिजवान भाई जो है उन्होंने ये सब किया है और आज उस मूवी के अंदर उन सब चीज़ों को दर्शाया है। तो मैं अपनी ओर से रिजवान भाई को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल सीन थे और मैं मानता हूं कि जो भी लोग इस मूवी को देख रहे थे वो सब लोग एक वक्त पे बहुत इमोशनल हो गए थे, मैं खुद इमोशनल हो गया था। तो मैं अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूं, ये इसी तरीके से ज़िंदगी के अंदर और कामयाबी हासिल करे, लोगों की मदद करे और हमारे हिंदुस्तान का नाम इसी तरीके से पूरी दुनिया में, अफ्रीका में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये रोशन करेंगे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ और ऐसी में उम्मीद। सर, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक करना ही चाहिए क्योंकि ये युवाओं के लिए एक ये प्रेरणा है, लोगों के लिए जो है किस तरीके से इससे मोटिवेशन सबको मिलेगा और ख़ास तौर से हमारे नौजवानों को कि वो जो भी गोल तय करेंगे और मेहनत से, ईमानदारी से काम करेंगे तो उसके अंदर उनको कामयाबी मिलेगी। और ये ऐसी मूवी है तो इसका बिल्कुल टैक्स फ्री होना चाहिए, पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर इसके अंदर टैक्स फ्री होना चाहिए। मैं इस तरीके से, और मैं जहाँ पर भी हम लोगों की भी, क्योंकि मैं राजस्थान सरकार में ऐसे मिनिस्टर हूँ और भारत सरकार की तरफ से भी मैं अजमेर शरीफ दरगाह का चेयरमैन हूँ, तो जहाँ भी इस मूवी को फ्री कराने के लिए, टैक्स फ्री कराने के लिए लेटर लिखना पड़ेगा, रिकमेंड करनी पड़ेगी, मैं भी अपनी ओर से करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप एक नाम बोला? मैं अमीन पठान, मैं दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ का चेयरमैन हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आती है। और मैं हज कमेटी ऑफ राजस्थान का भी चेयरमैन हूँ, ऐसे मिनिस्टर स्टेटस है मुझे राजस्थान सरकार के अंदर। और मैं आज इस प्रोग्राम में आया था और मैंने इस मूवी को देखी जो रिजवान के नाम से बनी है, तो ये एक सच्ची स्टोरी है और अपनी ओर से दुआ करूँगा कि सभी लोग इसी तरीके से काम करें और ये जो मूवी है इसको सब लोग देख के इससे प्रेरणा लें और अपने जीवन को, अपने गोल को अचीव करें और अपना नाम, अपने वालदेन का नाम और अपने देश का नाम ऊंचा करें। थैंक यू सर। बहुत खुशी हो रही है, बहुत इमोशनल भी हो रहा हूँ, आप भी फील करते होंगे। बहुत खुश हूँ सबका फीडबैक देख के और जो हिसाब से सबका बोल रहे, बता रहे, कमेंट्स दे रहे, और मुझे बहुत अभी होप मेरी बढ़ गई है कि मेरी लाइफ की जो जर्नी है वाकई अपने देशवासियों को, अपने जो युवा धन है उनको इंस्पायर करेंगी, उनको एक अच्छी लाइफ की होप देगी। तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बस उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की, मीडिया की दुआ से जल्दी हम पूरा देश में हम लॉन्च करें। मुझे उम्मीद है लोगों का फीडबैक से मेरी उम्मीद बढ़ गई है कि वाकई में ये युवाओं को मोटिवेट करेगी
इसके लिए और बहुत सारे जो अपना क्या बोलते हैं जो फीडबैक के अंदर लीडर्स ने बताया कि ये टैक्स फ्री होनी चाहिए, तो और मेरी उम्मीद और एक्साइटमेंट और बढ़ गया कि वहाँ तक लोगों को अच्छी लगी, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात हो नहीं सकती और मेरी उम्मीद बढ़ गई है कि सच्ची में ये अपने देशवासियों को, और आप मीडिया भी बहुत यूथ ही हो तो आपको भी, आपने भी मूवी देखी है तो आपको भी इंस्पायर कर रही है जैसे आप लोग बता रहे हो थे अभी थोड़ी देर पहले, और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी पूरे इंडिया के अंदर सब लोगों को अच्छी होप देगी लाइफ की। थैंक यू। 14 सितंबर मेरा बर्थडे, टेंटेटिव डेट वो रखी है हमने रिलीज करने की, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रहेगी तो 14 सितंबर को रिलीज हो जाएगी पूरे इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारे भारतवर्ष की राष्ट्रों में राष्ट्र महाराष्ट्र के इस पावन सिद्ध विनायक गणपत जी के स्थान पर काशी से आकर के हमें रिजवान पिक्चर देखने का यह पावन मौका मिला। रिजवान शब्द जैसा कि आप जानते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ भरोसा होता है, विश्वास होता है, उस विश्वास के साथ एक हमारे देश का एक गरीब बालक उस देश की मिट्टी में जन्म लेकर के जिसे महात्मा गांधी जी ने पावन किया था, उस पावन भूमि से हमारे दूसरे गांधी जो कि रिजवान अढ़तिया जी के नाम पर यह पिक्चर हम लोगों को देखने को मिला। यह पिक्चर बहुत ही मार्मिक, भावुक और हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणाप्रद पिक्चर थी। इसमें जो भी डायलॉग या जो भी कहानी, जो भी एपिसोड इसको प्रेरित किया गया वह अपने आप में जो है हम सभी के लिए एक लेसन थे, एक हम लोगों के लिए जो है आगे जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ ये बनाई गई पिक्चर हम लोगों के लिए प्रेरणाप्रद साबित हो रही है। हम खास तौर से सबसे पहले इस पिक्चर के जो प्रोड्यूसर निदेशक हैं मिस्टर हरेश व्यास जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा जो है इसका संयोजन किया है, इसमें भावुकता लाया है और एक बहुत ही कम साफ सुथरी चीज़ जो है हम लोगों को देखने के लिए जो है अपनी कला को हम लोगों के सामने जो है परोसा है। मैं इस पिक्चर के सभी और कलाकारों को बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़े ही सजीवता से इस भावुकतापूर्ण पिक्चर को जो है बनाने में सहयोग दिया है। ख़ास तौर से मैं इस पिक्चर को देखा, कुछ डायलॉग हमको बहुत अच्छे लगे कि निर्धनता में ही उदारता है, यह चीज़ जो है सबको जो है दिल से छूने वाली चीज़ थी। हर एक आदमी जो है जन्म लेता है, जन्म से धीरे धीरे शनय पंथा शनय कंथा शनय पर्वत लंघन शनय विद्या शनय वित्ती पंचतान शनय शनय, धीरे धीरे जो है वह पहाड़ की ऊंचाइयों पर भी चढ़ जाता है या अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है, यह प्रेरणा इस पिक्चर में हम लोगों को देखने को मिली। मैं संक्षेप में, बहुत लोग यहाँ बोलने वाले हैं लेकिन मैं इसके जिस पर यह पिक्चर बनाई गई थी हमारे शिष्य माननीय हमारे जो रिजवान जी हैं यह भी धन्यवाद के प्राप्त हैं और इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमको काशी से बुला करके यह स्वर्णिम अवसर दिया, और मैं ज़रूर इतना इस पिक्चर से प्रेरणाप्रद हुआ कि मैं भारत सरकार से भी इसको यह गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जो है हर स्कूलों में दिखाने के लिए जो है पूरी सुविधा प्रदान करें, और उसके लिए अभी ये पिक्चर का जो फीडबैक प्राप्त हुआ है बहुत ही ये ग्रेट कर रहा है, इसको जो है सेंसर बोर्ड से भी पास होने में कोई बिना काट करके पास होगी, और साथ ही साथ जो है भारत सरकार से हमारा जो है ये
रहेगा, इसको जो है निःशुल्क टैक्स फ्री करके जो है जन जन तक हर स्कूल के, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, वहाँ पर भी ये पिक्चर दिखाई जाए, जिससे कि हमारे युवा यह प्रेरणा ले सके तो कि किसी भी मुसीबत में कैसे उठ कर खड़ा हुआ जाए। इस पिक्चर का एक सारांश भी रहा है कि खुद चल के मंजिल चरण चुम लेगी अगर इंसान हिम्मत न हारे। वह हिम्मत, वह जज्बात हमारे जो है माननीय रिजवान रतिया जी ने दिखाया है। ये बहुत ही जो है, आज हमारे युवा परेशान हैं नौकरी के लिए, सरकारें गिर रही हैं, बदल रही हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, वह प्रेरणा पद, वह जज्बात हमारे जो है रिजवान रतिया जी ने पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे इस धरा वसुंधरा में जितने भी युवा हैं सबके लिए एक प्रेरणा दिया है, एक मार्गदर्शन दिया है कि आप किस तरीके से जो है हताश निराश उदास मत होइए और अपने हाथों में, अपने बाजुओं में और अपने वीर पावर को स्ट्रांग करते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए जो है आप कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रिजवान फॉर द वंडरफुल मूवी। इट इज इन फैक्ट एन इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरी। This is the real story of rags to riches, but more so, it's not only regarding the rags to riches, it is the inspiration and the story which shows us how a life has to be built and what is the sole purpose of life. The sole purpose of life is to give back to the society what you have earned, and here Mr. Rizwan has actually shown in the whole movie how he has started from scratch, build an empire, but more so at every step he had one thing in his mind, that is to give back to the society, and this he has fulfilled in real life. He has made a foundation and he is trying to give back whatever he can to the society. And a very important lesson to the youth, that without struggle there is no success. He has proved it in real life through his own struggle how success results. I would like to congratulate Mr. Rizwan and his team. Thank you, sir. And all the best once again. Thank you very much. मेरा नाम है दिलावर चौगुले। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और पूरे देश भर में मेरा बहुत बड़ा काम है। 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश को आज़ादी किसने दिलाया? गांधी जी ने। वहाँ उनका गांव है पोरबंदर और रिजवान भाई भी पोरबंदर से आते हैं। उन्होंने पोरबंदर से लेकर अफ्रीका तक अपना सफ़र तय किया और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। साम्राज्य खड़ा करने के बाद भी आज ये पिक्चर जो रिलीज हुई उसके अंदर एक रियल स्टोरी आप लोग नज़र आई है। रियल स्टोरी हर एक इंसान के साथ में रियल स्टोरी आती है। सबने स्ट्रगल किया लेकिन रिजवान भाई ने अलग ही हिसाब से स्ट्रगल किया। हमारा देश छोड़ के परकीय देश में जाके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके उन्होंने देश में एक दिखा दिया कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत देश के एक नागरिक होते हुए उन्होंने वापस यू टर्न लिया और एक सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अपना कदम रखा। कदम रख के आज 7 लाख लोगों तक अपने समाज सेवा का फ़ायदा पहुँचाया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ रिजवान भाई को और मैं रिजवान भाई की ये सेकंड टाइम मूवी देख रहा हूँ और सेकंड टाइम मेरे आंखों में आंसू आए। इतनी अच्छी मूवी लगी कि हर एक, मैं भी बचपन में कर्नाक बंदर के ऊपर हमला करता था, वो सेम स्टोरी रिजवान भाई ने यहाँ दर्शाया है लोगों को। एक बहुत अच्छा स्टोरी के साथ में एक हमारे देश को जो गरीब लोग है इनको एक अच्छा उसमें से सीखने मिलेगा। और मैं भारत सरकार से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये मूवी को टैक्स फ्री करने की मांग करता हूँ और उसका बीड़ा हमने उठाया। रिजवान भाई को मैंने कमिटमेंट किया, ये अगले 2-3 महीने के बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ में ताज होटल में हम इसी मूवी का रिलीज रखने वाले हैं। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से कलेक्टर्स को, IAS IPS सारे लोगों को बुलाकर ताज होटल में इसका बहुत बड़ा शानदार इनॉग्रेशन करेंगे। और रिजवान भाई को मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो सीखने जैसी चीज़ है, हर एक को इतना अच्छा लगा ये मूवी कि मेरे ऐसा इंसान 2-3 बार देखते देखते रोया है।
मैं युवाओं को अपील करना चाहता हूँ कि रिजवान भाई की तरफ देखिए, ये हमारे देश के सेकंड गांधी है। मैं मुबारकबाद प्रेस विद द रिजवान मूवी। आई कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम, द डायरेक्टर मिस्टर व्यास एंड ऑल द कैरेक्टर्स और द एक्टर्स हु हैव प्लेड द रोल। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द मिस्टर रिजवान टू टेक अ पेन टू मेक दिस एंटायर मूवी जस्ट फॉर द lesson and message to the country and the village people that justice, liberty, equality and fraternity, these are the four pillars of our democracy and the betterment of the human being. You may get the justice from the court for violation of your liberty or snatching away of your liberty, but you cannot demand fraternity. Bandhutva ki jo bhavna hai वो कहीं से नहीं मिल सकती कोर्ट रूम से, वो मिल सकती है रिजवान जैसे से। और रिजवान ने जो आज ये उनकी लाइफ का जो कैरेक्टर्स ये मूवी के अंदर जो प्रदर्शित किया गया है, आई मस्ट से एवरीवन वॉच दिस मूवी, लेट दिस रीच टू द यूथ एट अ ग्रास रूट लेवल एंड एवरीवन हैव द स्टोरी फॉर देयर सक्सेस। बट द वे रिजवान हैज शोन द हाउ द ब्रदरहुड can become essence for the success. Therefore, the government of India, this biggest democracy of the country, world, that now the everyone knows that sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas. Main manta hoon ki Rizwan ne sabka vishwas praapt karne mein badi mehnat ki hai aur ye hasil karte rahe aur aise hi sabka message leke pura youth आगे बढ़े और भारत देश पूरे विश्व के अंदर ये बंधुत्व की भावना बड़े उजागर करे, ऐसे आशा रखते हुए ऑल द बेस्ट टू एंटार्क्टिक। थैंक यू सर। बहुत कम मूवी देख पाता हूँ क्योंकि हम लोग भी थोड़े व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज गुरुजी ने के आदेश पे मैं आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ इस पिक्चर को देखने के बाद मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आई है। चूँकि टूटना, टूट के फिर खड़ा होना, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये ताकत विदाउट डिवाइन एनर्जी पॉसिबल नहीं। इसलिए मुझे लगता है गुरुजी जैसे लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त है और रिजवान भाई को मैं दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जो टीम है, मुझे लगता है कि उनको भी हमें सैल्यूट करना चाहिए। ऐसी मूवी आपने बनाई है जिसमें जितनी देर में बैठा मोस्टली मैं रोता ही रहा, चूँकि प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग है कि मुझे लगता है कि मैं स्पीचलेस हूँ। हाँ, भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इस तरह की मूवी को डिफरेंट लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में भी इसको डब करा के रिलीज़ किया जाए और ग्लोबल लैंग्वेज में फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और जितने भी इंटरनेशनल लैंग्वेज हैं इसको कम से कम 100 लैंग्वेज में। रिजवान भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको डब करके बनाइए। और मैं NRI रिलेशन काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, 72 नेटवर्क ऑफिसेज हैं हमारे अलग अलग देशों में। मैं सबसे इसको प्रमोट करने के लिए कहूँगा और गुरुजी हमारे INB मिनिस्ट्री के टीम में भी हैं और ये बहुत कुछ कर सकते हैं, इनकी ऊर्जा भी इस मूवी को प्राप्त है और हम लोग सब लोग मिलकर के इस पिक्चर को, ये ग्लोबल पिक्चर है और यूनाइटेड नेशन की चेयरपर्सन से मैं जुड़ा हूँ, मैं चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन में इस पिक्चर को दिखाया जाए। धन्यवाद। हम एग्जीबिटर हैं, हम पिक्चरें लगाते हैं, हमारे मल्टीप्लेक्सेस हैं दिल्ली और बॉम्बे में, तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि जो हम ये फिल्म सेंसर से पास होके और फिल्म हमारी सारी पूरे दिल्ली और बॉम्बे में लगे। जरूर। एक पिक्चर इतनी हमें मुझे अच्छी लगी है कि ये नवयुवकों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि ये पिक्चर देखें वो और देख के वो प्रभावित होकर इनकी तरह बने। और मैं रिजवान साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया फिल्म देखने का और ये फिल्म देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी मैं इनके साथ जुड़ के ये काम कर सकूँ। ये सारा का सारा श्रेय गुरु जी को जाता है जो इन्होंने मुझे बुला के यहाँ से, मैं स्पेशली बॉम्बे से, दिल्ली से बॉम्बे आया हूँ ये सिर्फ फिल्म देखने के लिए। और मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे और ये फिल्म का जहाँ तक ताल्लुक है ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मैंने भी दो हिंदी फिल्म बनाई हैं छोटे बजट की, लेकिन ये जो फिल्म है ये प्रेरणा देती है नवयुवकों को कि कैसे मेहनत करके आगे बढ़ा जा सकता है।
यही मैं इस सारी चीज़ों को यहाँ ख़त्म करते हुए, और जो हमारे साथ डायरेक्टर साहब खड़े हैं और जो इस पिक्चर के हीरो हैं, सबसे पहले मैं उन्हें ये बधाई देना चाहता हूँ उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने जो हीरो महसूस नहीं हुआ बहुत अच्छी है कि कौन बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग करी है। और जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है उसमें भी मुझे कहीं भी किसी भी तरह का कोई झूल नज़र नहीं आया। तो ये इस डायरेक्टर साहब मेरे साथ खड़े हैं और मैं आगे इनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ करने की जरूर कुछ ना कोई फिल्म बनाने की सोचूंगा। पहली फिल्म है इनकी, पहली फिल्म होने के बावजूद भी इनकी डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे भी थोड़ी समझ है, इससे जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ब्रदर, आप सभी लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया हुआ, रविंद्र जैन जी संगीतकार आप सब लोग जानते हैं, उनका छोटा भाई हूँ, मैंने भी फिल्म बनाई है। और मैंने कहा था रिजवान भाई को कि ये जो फिल्म है वो कॉमर्शियल एंगल से नहीं है, ये वाली फिल्म ये हम लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेशन के लिए फिल्म बनाई गई है ये वाली। और वही शब्द मैंने कपिल शर्मा के समय में गया था, तब मैंने वहाँ भी यही बात बोली थी जब मैंने अन्ना जी के ऊपर फिल्म बनाई थी, कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग कॉमर्शियल एंगल नहीं देखते, और ये फिल्म भी उसी तरह की है। लेकिन इसको अगर देख करके हम में से कुछ और बच्चे इसी तरह की हिम्मत के साथ व्यापार करें, तो जैसे इन्होंने 5,000 लोगों को जॉब दिया है, ऐसे ही और 20-25 लोग मिल जाएंगे तो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। इसी के लिए मैं शुभकामनाओं के साथ और बहुत बहुत पूरी टीम को, हरीश जी आप हैं तो उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सभी टीम की इस फिल्म के लिए आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मुंबई एक NGO रन करती हूँ मैं, कृष्णा शांति सुमन मल्टीपर्पज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक मंथली मैगजीन भी निकलता है विमेन जोन नवी मुंबई से। तो ऑल मीडिया फ्रेंड्स, फिल्म कैसी लगी बेटा आपको, या तो इनको मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये दिस इज रियली वेरी टचिंग मूवी। अटल बिहारी जी का एक बहुत अच्छा, मुझे दो लाइनें याद आ रही, मैं बोलना चाहूँगी वो स्पेशली ये डेडिकेट करना चाहती हूँ मैं रिजवान भाई को, कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो इस तरह का बड़ा दिल इन्होंने रखा है, एंड मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बुलाया स्पेशली और ये सौभाग्य दिया। इस तरह का इवेंट पहली बार मैंने अटेंड किया है जाकर के, एंड मैं बधाई दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ रिजवान भाई को, इनके भाई साहब जिन्होंने इनको मौका दिया बाहर अब्रॉड में आने का, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ कि ऐसा भाई सबको दे, ऐसा भाई सबको दे जो अपने छोटे भाई के सिर पर हाथ रखे हमेशा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू and your team who has done a very good job, especially the background music, sound, the presentation of a movie has been very good. It's very inspiring. I have seen that he has given more value to relationship than to making money. His father, his employees, you motivating them to work better and perform better. And you have also helped your colleagues. You have helped also your friends. Apart from he has, you know, become from poor to very rich. That is not important. But ultimately, he is utilizing his money, what he has earned, for the cause of poor people. Ultimately, he has opened an our foundation. So I am so happy to see his life and his activities. And finally, you are doing for the country and for the entire society. I congratulate once again, but I enjoyed the movie and its track and its sound, and it has been excellent. So I never get bored entire movie. Awesome. I thought it's a Bollywood movie only, and I saw with the same thing. May not be very known actors, but congratulating to all your team and actors. Thank you. Rizan sir, abhi aaj itni famous GTPL mein atithi karke. Tab se ye bande ko main dhoond raha tha ki sahi mein aisa banda hai. Ye interview aap search kar sakte ho. और आज फॉर्चुनेटली मेरे दोस्त जयेश भाई ने मुझे यहाँ बुला दिया और मूवी के लिए, और जैसा उन्होंने इंटरव्यू में बताया था बिल्कुल वैसे, मतलब रियल मुझे लगता है दिल से जीने वाला और इंसान। और ये जो बायोपिक
ऐसे बनाइए रियल और दिल से जीने वाला, बस मुझे लगता है कि हाँ इंडिया में बहुत कुछ है। उनकी एक बात, 3 बजे उठ के एक जो मेडिटेशन करना है, दूसरी बात 175 रुपये से वहाँ से शुरू हुई और वो दुआ बढ़ती गई आज सबके दिलों में और हर जगह पर। उन्होंने पैसे कमा कर समाज के लिए दिल से, और बिल्कुल इतना हम्बल ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा है। बस मूवी तो है और इससे सही में रियल लाइफ हीरो बहुत कम होते हैं, इसमें मिस्टर रिजवान। क्या है कि मैं कई सालों से सोचता था कि गुजराती जो है ना, वो आज से 200 साल पहले गुजरात छोड़ के खाली हाथ अमेरिका अफ्रीका सब जगह गए थे, और आज अफ्रीका के हर कंट्री में आपको देखेंगे आप 2-3 ऐसे फैमिलीज हैं, नानजी कालिदास है, मादानी फैमिली है। तो एक ऐसी एक उसकी क्या इंस्पायरिंग है, उसकी एक फिल्म बननी चाहिए। तो मेरे एक रिजवान जी से हमारी मुलाकात हुई, तो वो कहता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। उसने मुझे बोला पहले कि हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो कोई नहीं देखेगा, आप फिल्म बनाइए और इसको रिलीज़ करिए पूरी तरह से, तो आपको लोगों को पता चलेगा कि आपके बारे में क्या है। तो एग्री हो गए और इस फिल्म में मुझे मेरा जो यूनिट है, मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ करने में। मेरे एक्टर्स हैं सब बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही नेचुरल एक्टिंग की सब लोगों ने, मुझे हार्डली उनको डायरेक्ट करना पड़ा। तो बस थैंक यू रिजवान भाई, आई थैंक यू ऑल माई कास्ट एंड क्रू। किस लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग की गई है? इस फिल्म की शूटिंग हमने 3 लोकेशन पर की, एक पोरबंदर में की है, कोंगो में की है, और एक कोंगो किंसासा, और एक मापुटो मोजाम्बिक में की है। जिस तरह रिस्पांस मिल रहा है आज टैक्स फ्री होने की बात है, लग रहा है जब फिल्म रिलीज होगी लोग देखेंगे तो टैक्स फ्री तक बात चली जाएगी? अगर मिल जाए तो बस हमारी दुआ है कि मिल जाए और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। थैंक यू। जलपा भट्ट और रिजवान फिल्म में मेरा कैरेक्टर है शेला का, जो मिस्टर रिजवान की भाभी है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिस्टर रिजवान आड़तिया का और हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर हरीश व्यास की, इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे चुना। मिस्टर रिजवान आड़तिया के बारे में बस एक ही बात करूँगी, बस छोटी सी शायरी। शायरी का माहौल है तो निगाहों के सामने मंजिल थी, वो गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की लेकिन चिराग तूफानों में भी जलते रहे। और मिस्टर हरीश व्यास के बारे में मैं बात करूँ तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सभी स्टार कास्ट जो थे हमारे टेक्नीशियन से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम करवाया है। और हम फिल्म में करते हैं तो हमें ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है कि कोई जो कैरेक्टर होता है, आर्टिस्ट होता है, वो रीटेक करता है तो सबसे पहला गुस्सा डायरेक्टर करता है, लेकिन कभी भी हमारे डायरेक्टर ने कोई भी आर्टिस्ट के ऊपर गुस्सा नहीं किया, बहुत अच्छी तरह से प्यार से काम करवाया है। और मोजाम्बिक में भी हमने शूटिंग की, पोरबंदर में भी की, और हमने सब ने इतना मिलजुल के काम किया है, ऐसा हमें लग रहा था कि हम हमारी फैमिली है और उनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो बस हमें इस फिल्म देखकर यही जानने को मिला है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए हमें उसे डरना नहीं है, भागना नहीं है, बस उसका अच्छी तरह से सामना करना है। और इस फिल्म में गाने में आप सबने देखा होगा कि मिस्टर रिजवान रियल लाइफ में भी बोलते हैं और फिल्म में भी दिखाया गया है कि कोई भी प्रॉब्लम आए हमें एक ही बात कहनी है, शुक्र है व्याधि न थी। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। नमस्कार सबको। पहले तो हाँ जी, लुक कैमरा क्या कहेंगे, रोल क्या, किरदार क्या? मेरा नाम केयूरी शाह है और मैंने इसमें सलमा अड़तिया का काम किया है। सबसे पहले वेरी मच थैंकफुल टू रिजवान सर और हरीश सर कि ही ट्रस्टेड मी लाइक एनीथिंग, क्योंकि आपने फिल्म भी देखी है, सलमा को देखा है आपने, मुझे नहीं पता पर्सनली कितने जन मिले हैं, आई एम सॉरी सलमा जी, बट वेरी सिंपल, वेरी इंटेंस एंड वेरी लाइक यू नो जैसे दिख रही हूँ वैसे नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। मैं बहुत ही टॉकेटिव, एक सांस में मैं 10 बात कर लेती हूँ, जबकि सलमा दीदी बहुत संभल के बात करती है, बहुत कम बात करती है। तो उसके लिए ट्रस्ट करना, क्योंकि जब मैं मिलती हूँ तो केयूरी शाही होती हूँ, हरीश जी के साथ भी वैसे ही थी तो इंटरेस्टेड भी लग रही थी। और फिल्म के बारे में बात करूँ तो क्या होता है कि बहुत सी फिल्म बनी है बॉलीवुड, हॉलीवुड में बहुत ही फिल्में देखती हूँ, आपने देखा होगा जीरो से हीरो बनते हुए लोगों को, ऐसे बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ फिल्म बनी, लेकिन जीरो से हीरो बनना और हीरो बनके आम लोगों को हीरो बनाना, ये वो फिल्म है। समझ में आया हो तो
कि इफ द पर्सन इज अ नथिंग ओके फ्रॉम स्मॉल टाउन एंड देन ही मेक्स अ बिग एक बड़ा एम्पायर खोलते हैं, एक बिजनेस करते हैं, वो भी दूसरी कंट्री में जाके, और उस जगह जाके हर एक जन को हेल्प करना, हर एक जन को अपने लोगों को मिलाना और उनको हीरो बनाना. टुडे ही इज अ लाइफ मोटिवेटर, जाके लोगों को मोटिवेट करना, सबको चैरिटी करना. मैं दो दिन पहले किसी से बात कर रही थी, लाइक बिग एंटरप्रेन्योर, तो 365 डेज में डिफरेंट डिफरेंट कलर के पर्सेस आई कैरी. इसमें बिल्कुल मसाला नहीं डाला है, फिर भी टेस्टी है. जैसे फीडबैक मैंने सुना डिग्निटरी से, सब लीडर से, सबको अच्छी लगी. तो इसमें कोई मसाला हमने पहले से ही डिसाइड किया था और हमने डायरेक्टर से पहले से ही प्रॉमिस लिया था कि लाइफ में कभी झूठ बोल के या गलत काम करके कभी हमने पैसे भी नहीं कमाए हैं. तो आज मूवी में भी हमें ये चीज़ नहीं करनी है, कोई मसाला डाल के या झूठ मूठ डाल के लोगों को खुश करने के लिए. जो रियल है वो बनाएंगे, जितने लोगों को अच्छी लगेगी हमारे नसीब, नहीं अच्छी लगेगी तो भी हमें कोई वादा नहीं है. बट वो हिसाब से हमने मूवी को बनाया है और आज सारे फीडबैक देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ कि जो कभी मैंने सोचा नहीं था. मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एंटायर टीम सबको मैं अभिनंदन दूंगा, सबका मैं शुक्रिया अदा भी करूंगा कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है. मैं देखा अफ्रीका में आए थे सब फैमिली को छोड़ के, 30 दिन तक वो लोग जो काम कर रहे थे, रात को 12 बजे शूटिंग, सुबह 5 बजे शूटिंग, पता नहीं कैसे कर रहे थे. क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो मुझे पता है कि क्या चैलेंजेस फेस करते हैं. बट इन लोगों ने बहुत ईमानदारी से, प्रामाणिकता से और एक अपना समझकर सब लोगों ने काम करके आज ये मूवी को ये स्टेज पे लाए हैं. कैसे माने आपकी फिल्म, चलो बना मेरे पे फिल्म बना लो आप, कैसे हरी जी को माने आप? कितना वक्त लगा आपकी पूरी स्टोरी आपको बताने में, क्या आपकी क्या थी पूरी स्टोरी? सबसे पहले तो आज से डेढ़ दो साल पहले मेरी बायोग्राफी बुक गुजराती में लॉन्च हुई, जिसमें हरीश भाई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उसको फाइनलाइज करने में. वो बायोग्राफी बुक ने बहुत सारी स्कूल्स में, कम्युनिटीज में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों को उसमें से प्रेरणा मिली. तो उसको ध्यान में रखते हुए वो गुजराती में बनी है. तो पहले हमने डिसाइड किया कि इनको दूसरी लैंग्वेज में बनाए, बट दूसरी लैंग्वेज में भी बनाएंगे तो कैसे हम लोग पहुँचेंगे लोगों तक. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हिंदी में मूवी बनाते हैं इसके ऊपर, ताकि हम पूरा इंडिया एक साथ कवर कर सके. वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मूवी बनी है. जैसे हमारे डायरेक्टर ने बताया कि उनका 30% शूटिंग पोरबंदर में हुआ है और 70% अफ्रीका में हुआ है, और वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज ये मूवी आपके सामने प्रेजेंट हुई है. सब लोगों ने देखी, सब लोगों ने आपके सामने फीडबैक भी दिया है, तो हम सब एक्साइटेड है. लोगों का मानना है कि टैक्स फ्री हो जाए फिल्म जो. यस, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. बहुत सारे फीडबैक आए और हमारे लीडर्स हमारे साथ खड़े हैं जो टैक्स फ्री ने, रियल में ये टैक्स फ्री होना चाहिए. मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट के, क्योंकि ये घर घर हर यूथ के पास पहुंचनी चाहिए. जिनके पास बेसिक नीड नहीं है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कुछ लाइफ में करने के, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ड्रीम होता है, वहाँ वो लोग की मूवी उन लोगों को मोटिवेट करेगी, उन लोगों को एक जोश और जज्बा देगी कि नहीं हमारे पास भले आज कुछ नहीं है तो भी हम बड़े ड्रीम करके, ईमानदारी के साथ मेहनत करके हम भी कुछ बन सकेंगे, कुछ भी कर सकेंगे. और ये हमारे बड़े भाई पोरबंदर से आए हैं, हमारे फादर की जगह पे, फादर की डेथ 20-21 साल पहले हुई थी, तब से ये मेरे फादर है. सबसे बड़े भाई हमारे फैमिली के, जिसमें मूवी में भी देखा, वो भी बहुत सालों से फादर का रोल रियल में प्ले करके हमको बड़ा किया है. फारूक भाई नाम है उनका जो आपने देखा, और आज भी हमारे साथ मूवी के लिए स्पेशल पोरबंदर से आज आए हैं. तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और उनके भी आशीष, दुआ आशीष, उनके भी आशीर्वाद आज मुझे बहुत मदद करेगा और कर रहा है. कब रिलीज कब होगी फिल्म, कब लोग देख पाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है. हम लोग बहुत एक्साइटेड है. 14 सितंबर मेरा बर्थडे है, आई विल बी 50th, एंड हमारा प्लान है 14 सितंबर को पूरे इंडिया में हम लोग उनको लॉन्च करेंगे. आप लोगों की दुआ, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग ये कर पाएंगे. Thank you so much for everyone, and this is a real true story of Rizwan. So I love this script and all. Guruji ka
बहुत बड़ा मैं आभार व्यक्त करूंगा कि गुरुजी ने मुझे बुला के ऐसी फिल्म दिखाई, और आज तक 18 साल से मैं सिनेमा में हूं और मैं भी प्रोड्यूसर हूं और मैं भी फिल्में कर रहा हूं, कमर्शियल कर रहा हूं, लेकिन एक अलग अल्टीमेट फिल्म मिली आज देखने को। ऐसी स्पेशल नहीं, ऐसी रियल नहीं, आई बहुत सारी बायोग्राफी देखी है, लेकिन एक रियल ट्रू स्टोरी जो कि एकदम दिल के अंदर जाए और फिल्म के तरीके से एक रियल स्टोरी के हिसाब से स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है, फोटोग्राफी इतनी अच्छी है कि मत पूछो, सारे एक्टर बहुत अच्छे हैं, सब एकदम वेल ऑर्गेनाइज हैं। तो एक सफ़र है कि 350 कमर्शियल्स मैंने किए हैं एड फिल्म से जो आप टीवी पे देखते हो। सर, फिल्म देखने से पहले और फिल्म देखने के बाद रिजवान जी के प्रति क्या? नहीं, मैं मेरा एक सिंपल सा लॉजिक था, मुझे लगा था कि एक ट्रू स्टोरी जो होती है ना, वो थोड़ी सी ट्रू स्टोरी में कभी कभी लोग मिलावटी करते हैं, लेकिन मेरी फिल्म देखने के बाद और फिल्म देखने से पहले मुझे लगा था कि एक सिंपल मैन है जो एक आदमी पूरे सबको लेके ग्रो करके आगे बढ़ के आगे जाने वाला है। फिर उसके बाद मेरी केमिस्ट्री, जब मैं फिल्म देखा जो मेरी पलकें नहीं झपकी, तो मुझे समझ में आया कि रियल स्टोरी है और वो दिल को छूने वाली है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी लास्ट मोमेंट में मुझे लगा कि यार ये बंदे ने क्या किया, कैसे किया, सो इट्स वेरी इंप्रेसिव। और गुरु जी इधर आइए आप, इनका आशीर्वाद है, हम एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, हम लोग भी कर रहे कब से हुआ, गुरु जी के साथ मैं बहुत ज़्यादा दिन से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत लंबे टाइम से। अभी मेरी फिल्म अभी होपफुली मैं नेक्स्ट मंथ में शायद अनाउंस, गुल्ली डंडा तो हो गई है, अभी रिलीज करूँगा 14 नवंबर को, और दूसरी जो फिल्म है क्राइम थ्रिलर वो शुरू होने वाली है, और भी कमर्शियल कर रहा हूँ मैं, सीमेंट का कर रहा हूँ, बहुत सारे एड फिल्म कर रहा हूँ। थैंक यू, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं रिजवान भाई के लिए। थैंक यू सर, एंड सर एंड ऑल कास्ट एंड क्रू, थैंक यू। हमारे पास लंदन से एक हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड, हमारे बड़े भाई है, वो आए हुए हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, बट लंदन से खास आज सुबह आए, दो दिन के लिए आए हैं, तो उसके बाद हमारे कादर भाई और मूवी स्लावक मूवी सर, हां सारू छे, सारू छे, बहुत सारू छे, बहुत सारू, इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में बोलेंगे सर, यहां ही बोलो, बस I'd like to congratulate you, very congratulations to you for that. Thank you. The film was no less than any commercial film. It was fantastic. One very, very important message, jo aaj India mein, puri duniya mein bahut zaruri hai sabko janna, ke positive rehna kitna important hai. Negativity jo hai, wo bahut sari cheezon ko barbaad kar deti hai. Aur ye film ne ye sikhaya aur bahut acha message tha, ke stay positive. And don't think about yourself. So those two messages, fantastic, and we know Rizwan Bhai is actually like that. He's got that character. He is that kind of person. So congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. और कादिर भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। टीशा ब्रांडेड है, और मैं गांव में जब 8वीं फेल हुआ तो मैंने कहा कि मैं बहुत कम पढ़ाई किया करूँगा क्या, तो मेरी और रिजवान भाई की थोड़ी सी मिलती हुई स्टोरी है, और बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मैंने देखा कि इंडस्ट्री में जब हम सर्विस में आए तो सबसे पहले ताजमहल में लगे, और फिर हम सोचते रहे कि समुंदर किनारे में भी बैठता था कि क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ये सब सोचते थे कि लाइफ में क्या करना है, तो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और सर्विस में और लोगों को देखते थे कि कैसे लोग आगे जा रहे हैं। और मैंने ITC में बुखारा का जो रेसिपी हमने दिया वो काफ़ी बूम कर गया, और हमारे शहर दिल्ली, तो उससे हमें काफ़ी हाइप मिली, तो अब्रॉड गए, अब्रॉड से वापस आए, फिर अपना यहाँ पे बॉम्बे में रेस्टोरेंट खोला, एक और बाइक बनने वाली आपकी बाइक बनानी वाली, और काफ़ी फिल्म तो मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी हमें फिल्म तो मुझे और ये कॉर्पोरेट लेवल की पिक्चर है और बहुत अच्छी लगी मुझे, और ये जो नए लोग हैं और हमारे जैसे लोग जैसे गिर गए तो उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो और ज्यादा इससे हमें हौसला मिला। टैक्स फ्री होनी चाहिए क्या? टैक्स फ्री तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये जो गवर्नमेंट को इसके लिए तो बहुत ज्यादा वो देना चाहिए, और इसके लिए इनको इंसेंटिव देना चाहिए गवर्नमेंट को। और रिजवान जी का मैं एकदम फैन हो गया हूँ अभी, क्योंकि ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर एक पॉजिटिव सोच, जो मतलब छोटा लड़का भी है या बड़े से बड़ा जो नवयुवक जो लोग लड़के जो अभी परेशान है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, और
इनका एक अच्छा है कि पिक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन है, ये उन्होंने हर टाइम में मतलब शांत दिमाग से बैठ के कैसा सोचना है ये उन्होंने ये पिक्चर में दिखाया। और सबसे बड़ी बात शुक्र है व्याधि नहीं, ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को और पिक्चर सच में बहुत ही अच्छा है। और ये टैक्स फ्री तो होनी चाहिए, गुरु जी ने भी बताया जैसा स्कूल में दिखाना चाहिए कॉलेज में दिखाना चाहिए, वैसे बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत मतलब हम लोग घूमते हैं इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में बहुत सारे नए जो लड़के हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन स्ट्रेस में रहते हैं बहुत, 12-12 घंटा 24-24 घंटा काम करते हैं, उनके लिए ये पिक्चर देखना बहुत जरूरी है। शिवसेना करेगी इसके लिए सब, ये सब लोग करेंगे, इसमें ऐसा कोई है ही नहीं कि जो कोई बुरी बात ही नहीं है, सबके लिए अच्छी बात है। और मैंने सोशल एक्टिविटीज जो है आज के जमाने में सोशल करता कौन है ज्यादा, थैंक यू सर, ये सोशल एक्टिविटीज के बारे में भी बहुत अच्छा काम है ना, इसलिए मुझे 10 साल हो गए अभिनय करते हुए और मेरे पास इससे अच्छा मैं भाग्यशाली नहीं हो सकता था कि मुझे रिजवान जी की बायोपिक में काम करने का मौका मिला। और मैं सबसे पहले तो ये है कि मैं पिछले 10 सालों से अभिनय कर रहा हूँ, मैं थिएटर में आपके मीडिया में भी था, मैं 5 साल एंकर रहा मैं और सर राजस्थान में, और इसके बाद मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था कि FTI से पास आउट हमारे डायरेक्टर हरेश व्यास जी जो है बहुत टैलेंटेड हैं और मैं तो कह रहा हूँ उनको बहुत पहले आना चाहिए था, बट पहले आने के लिए फिर रिजवान जी ऐसी कहानी नहीं मिलती, तो दोनों तरफ से मैं भाग्यशाली हूँ। तीसरी चीज़, मैं खुद MBA किया हुआ हूँ तो हर फिल्म में एक विलन होता है, तो मुझे इस फिल्म में विलन का रोल मिला तो मैं बहुत और ज़्यादा भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ मैं। और चौथी चीज़, मैं इस फिल्म में जैसा हूँ वैसा नहीं हूँ, मैं रियल में रिजवान जी को बहुत फॉलो करता हूँ मैं, सो जो ये जो करते हैं, ये 3 बजे उठते हैं तो मैं भी 3 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, और इनको देख के मैंने पहले भी बोला है जकात मैंने भी निकालना शुरू कर दिया है, सो इससे बड़ा मौका और अभी आगे जो फ्यूचर में है मैं ऐसी फिल्में करना चाहूँगा और जल्द ही आप TV में मुझे देखेंगे आप। थैंक यू सो मच। मेरा नाम गौरव चंदसौरिया है और मैंने मूवी में साजिद का किरदार निभाया है। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे डायरेक्टर सर हरीश व्यास ने और रिजवान सन ने इस लायक समझा कि मैं इस किरदार को निभा पाऊँ। मूवी की बात करूँगा तो मूवी ये सिर्फ मूवी नहीं है, एक्चुअली आप जब 2 घंटे के लिए आप कहीं पे बैठते हैं, आप सिनेमा हॉल में बैठते हैं और देखते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप जो है कहीं पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ सीख के निकले। और इस मूवी में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो ह्यूमैनिटी की तरफ झुकाव है वो बहुत बढ़ेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू, थैंक यू सर।